हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 अगस्त दिन रविवार है, वही हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए सरकार ने बनाया है पूरा प्लान। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना की न्यूनतम मासिक आय निश्चित करने के लिए लखपति दीदी योजना पर काम कर रही है। राज्य में लाडली बहनों को लखपति बनाने के लिए राज्य सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के तहत महिलाओं को खुद का बिजनेस, दुकान या किसी अन्य प्रकार का काम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत महिलाओं को एक स्वयं सहायता ग्रुप के तहत व्यवसाय बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान बनाने के बाद उस प्लान को स्व सहायता समूह ग्रुप सरकार को भेजेगा। सरकार का कहना है कि लखपति दीदी योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके उन्हें लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार लाडली बहनों को 5 लाख रुपए तक का लोन देगी, वह भी बिना ब्याज के। इस लोन की राशि से लाडली बहना अपना स्वयं का रोजगार खोल सकती हैं और लखपति दीदी बन सकती हैं, ऐसा सरकार का प्लान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के इस जिले को दिए बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को अनूपपुर जिला गए थे। यहाँ उन्होंने लाडली बहनों से उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए और जिले वासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए अनूपपुर और कोतमा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अनूपपुर में नया बस स्टैंड बनेगा, अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, अनूपपुर और कोतमा के बीच हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा, वही अनूपपुर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा कोतमा के राजा कछार जलाशय का निर्माण कराएंगे। इसके अलावा तहसील कोतमा के अंतर्गत ग्राम कटको से जरा गांव तक 3 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से पथरोड़ी गांव तक सड़क बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा कोतमा नगर में 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल भी बनाया जाएगा। वहीं बिजुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कोतमा में सभी अनुविभाग कार्यालय के लिए भवन की मंजूरी भी दी गई है। बिजुरी को तहसील का दर्जा देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है। वहीं अनूपपुर जिले में ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। इस प्रकार से अनूपपुर जिले के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणाएं की है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, बढ़ने वाली है लाडली बहना योजना की राशि। सीएम मोहन ने इसके लिए दिए हैं संकेत। मुख्यमंत्री रहते हुए अब सीएम मोहन यादव भी लाडली बहनों पर तोहफे की बरसात कर रहे हैं। बीते दिनों ही सीएम ने लाडली बहनों के खातों में 15वीं किस्त डाली थी, जिसमें सीएम ने बहनों के खातों में 250 रुपये अतिरिक्त डाले थे। अब सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, और आप भी चिंता मत करना, अभी तो यह शुरुआत है। 250 रुपये अभी रक्षाबंधन पर दिए हैं, आने वाले समय में यह पैसे और बढ़ते जाएंगे। फिलहाल सीएम मोहन यादव ने योजना की राशि में वृद्धि का ऐलान किया है, लेकिन कब किया जाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने देश की राजधानी दिल्ली से लगाया शिवपुरी के चरवाहे को फोन। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिल्ली स्थित अपने ऑफिस से शिवपुरी जिले के एक चरवाहे को फोन लगाया, उसका हालचाल पूछा। यह कयावत सिंधिया जी ने इसलिए की क्योंकि 15 अगस्त को शिवपुरी जिले की सिंध नदी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जिसमें इस चौराहे सहित 8 लोग फंस गए थे। सिंध नदी में उफान आ जाने के बाद ये सभी लोग एक टापू पर फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन और SDRF ने मिलकर बचाव अभियान चलाया, जिससे सभी को सकुशल बचा लिया गया है। इसके बाद दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बचाए गए लोगों से फोन पर चर्चा की और कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ सभी का ख्याल रखने के लिए, सभी अपना ख्याल रखें। दोस्तों, इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि एक चरवाहे के लिए मंत्री जी का फोन आना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर किया है बड़ा फैसला। सरकार ने आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है। इस दौरान यदि वहां फर्जी तरीके से गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी, तो ऐसे मदरसों की मान्यता
रद्द कर दी जाएगी। आदेश जारी होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है। गैर मुस्लिमों के साथ अगर मुस्लिम बच्चों के भी नाम फर्जी तरीके से या किसी धर्म के बच्चे को बिना अभिभावकों की अनुमति के तालीम दी जा रही है तो मदरसों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में कांग्रेस ने किया है हल्ला बोल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने महाकाल की नगरी उज्जैन में पूरी तरह से शराब बंद करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाने और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में बड़ा आंदोलन किया है। कांग्रेस ने उज्जैन को धार्मिक नगरी घोषित करने और शराब बंद किए जाने का प्रस्ताव रखा है। जीतू पटवारी जी ने कहा कि महाकाल के पावन नगर में शराब का दोहन हो रहा है, यहाँ से शराब गुजरात तक जा रही है। मुख्यमंत्री से शहर डरा हुआ है, कांग्रेस ही नहीं भाजपा वाले भी डरे हुए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि सीएम मोहन यादव उज्जैन में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी उनका नागरिक अभिनंदन करेगी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने को कहा है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। कलकत्ता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में भी जूनियर डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। इसे लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मसले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है। अदालत की ओर से कहा गया है कि डॉक्टर 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें, क्योंकि मरीज की जान कब चले जाएगी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मंकी पॉक्स वायरस की स्थिति पर की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार 17 अगस्त को पड़ोसी देशों में फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस को लेकर बैठक की। हालांकि देश में फिलहाल एक भी केस मंकी पॉक्स का नहीं है, लेकिन अधिकारियों की बैठक लेना जरूरी है। जेपी नड्डा ने अधिकारियों को स्थिति पर नज़र बनाए रखने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 16 अगस्त को पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 केस मिले हैं। इससे पहले स्वीडन में मंकी पॉक्स का एक मरीज मिला है। इस प्रकार यह बहुत ही खतरनाक वायरस है। हालांकि भारत में अभी तक एक भी केस नहीं मिले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रकार से जानकारियां थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।